नमस्कार, आप लगातार रोटीन देख रहे हैं और मैं जीतन कुमार हूँ। इस वक्त देवघर के टावर चौक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा नुक्कड़ नाटक के माध्यम से केंद्र की सरकार की नीतियों के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। महंगाई, बेरोजगारी और लगातार पेट्रोल डीजल के दामों में जो बढ़ोतरी हुई है उसको लेकर नुक्कड़ नाटक के माध्यम से ये लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। इस वक्त प्रदेश में महंगाई को लेकर सभी जगह चर्चाएं हो जा रही है और नुक्कड़ ढोल और झाल बजाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इस वक्त मुन्नम संजय प्रदेश प्रताप जी भी हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल इस महंगाई को लेकर वो इस वक्त क्या करना चाह रहे हैं और इस बढ़ती महंगाई को लेकर उन्होंने क्या कुछ किया है। ये कांग्रेस पार्टी द्वारा आयोजित पूरे देश भर में मोदी सरकार के गलत नीतियों के कारण जो महंगाई बेतहाशा बढ़ी है, बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी है, इस महंगाई और बेरोजगारी में हमारे तमाम जनता जनार्दन पीछे जा रहे हैं। उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी का नुक्कड़ नाटक सभा के माध्यम से मैं समस्त जनता जनार्दन आम जनों को मैं सूचित करना चाहता हूं, मैं आगाह करना चाहता हूं कि यह आपकी सरकार नहीं है। यह सरकार उद्योगपतियों के लिए है, उद्योगपतियों का दलाली कर रही है। आपका पैसा, हमारा पैसा, गरीब जनता का पैसा, आम लोगों का पैसा, रेड़ी चालक का पैसा, ठेला चालक का पैसा, मजदूर का पैसा, किसान का पैसा, सबका पैसा टैक्स देकर ये अपना जेब भरते हैं। इसके बाद सारा का सारा पैसा उद्योगपति के जेब में डाल देते हैं, इसके बाद उन्होंने उसको माफ कर देते हैं। तो आपको आश्चर्य होगा जान करके कि मोदी सरकार 8 सालों में 200 उद्योगपतियों को लगभग 20 लाख करोड़ रुपया माफ करने का काम किया है। लेकिन जब हमारे किसान भाई का कर्जा माफ करने का बात आता है, हमारे युवाओं को रोजगार देने की बात आता है, हमारे छोटे दुकानदार को राहत देने की बात आती है, आम आदमी को राहत देने की बात आती है, तब इनका कलम रुक जाता है। देवघर लगातार रोटी, जीतन कुमार।